हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था, उस टॉपिक के बारे में। जैसा कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, कॉल आती थी कि अब यहाँ पे अलॉटमेंट कब आएगी। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है। यमुना अथॉरिटी फिर से एक नई अलॉटमेंट जो है वो लेके आने वाली है। तो आज की वीडियो में डिटेल से इसी के बारे में बात करेंगे कि किस सेक्टर में अलॉटमेंट आने वाली है, किस रेट पे अलॉटमेंट आने वाली है और किस डेट पे अलॉटमेंट जो है वो लॉन्च होगी, किस रेट पे अलॉटमेंट लॉन्च होगी, इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट निकली थी उसमें सेक्टर 16 में नई अलॉटमेंट आई थी। उससे पहले जो सेक्टर थे, सेक्टर 18 में आते थे, सेक्टर आपका 20 में आते थे, सेक्टर 22 डी में आते थे और सेक्टर 17 में पहले से प्लॉट निकले हुए थे, मगर एक नया सेक्टर सामने आया था, सेक्टर 16। जी हाँ दोस्तों, तो फिर से उसी सेक्टर में अलॉटमेंट आने वाली है, सेक्टर 16 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर 16 में जो अलॉटमेंट आई थी वो छोटे साइज के प्लॉटों में ही आई थी, तो इस बार भी छोटे साइज के प्लॉटों में ही अलॉटमेंट आने वाली है। और मोस्टली लोगों का इंतजार भी इसी बात का था कि छोटे साइज के प्लॉटों का, तो फिर से छोटे साइज के प्लॉटों में ही अलॉटमेंट आ रही है। अगर आप चाहते हैं जेवर एयरपोर्ट के पास अपना एक प्लॉट लेना तो आप इस अलॉटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इस अलॉटमेंट में आपको सेक्टर 16 में 120 मीटर और 162 मीटर और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अभी रेट का और डेट का कंफर्म नहीं हुआ है कि किस डेट में ये अलॉटमेंट जो है वो लॉन्च हो रही है। जैसे ही डेट आ जाती है फिर से मैं एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा और किस रेट से क्या सर्कल रेट रहेगा उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जैसे ही इसका अपडेट होता है। बाकी ये अलॉटमेंट जो है वो सेक्टर 16 में है और छोटे छोटे साइज के जो प्लॉट हैं उन पर ये अलॉटमेंट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनको इंतज़ार था कि छोटे साइज के प्लॉट वो देख रहे हैं, तो रीसेल में ना जा करके आप इस तरह की जो अलॉटमेंट है, जो ये अलॉटमेंट आ रही है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि सेक्टर 16 जो है वो किधर की साइड पड़ता है, तो आप देखेंगे सेक्टर 17 और सेक्टर 18 के बीच से जो 130 मीटर रोड है जो सीधा जाता है, उसी पे एक भट्टा विलेज पड़ता है, उसी के आसपास जो है सेक्टर 16 है। तो अच्छी एक लोकेशन है, ऐसा नहीं है 130 मीटर यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा रोड जाता है सेक्टर 16 के लिए। वहाँ पे आप जो है देख सकते हैं सेक्टर 16 और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इन साइज के प्लॉटों पे। और इसमें प्राथमिकता जो है उन्हीं लोगों को दी जाएगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो फर्स्ट पेमेंट पे इसमें अप्लाई करेंगे, तो आप इसका ध्यान रखें कि आप फर्स्ट पेमेंट ही सेलेक्ट करें और भरने में कोई भी इस तरह की गड़बड़ ना करें कि आपने अपना भी अप्लाई कर दिया, अपनी वाइफ के नाम से भी अप्लाई कर दिया, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आप अच्छे से इसको अप्लाई करें, चाहे किसी के थ्रू आप अप्लाई करा सकते हैं, और इसमें ये ध्यान रखें और फर्स्ट पेमेंट का ही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें। थोड़ा आप देख लें, इंतज़ाम वगैरह अपना कर लें पेमेंट का, क्योंकि आप अगर सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं तो फिर निकलने के चांसेस जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट पेमेंट का जो है वही ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसमें टोटल प्लॉट जो रहेंगे, टोटल प्लॉटों की संख्या जो रहेगी वो 326 प्लॉट रहेंगे। किस किस साइज में कितने कितने प्लॉट रहेंगे ये मैं आने वाले टाइम में आपको अपडेट कर दूंगा जैसे इसका अपडेट आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या जो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है स्क्रीन पे इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं यमुना अथॉरिटी में, या यहाँ की जानकारी लेना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।